हम बड़ा मुश्किल से कोनो तरह जा रात कटनी है, पर अब हम उजा हरगिज नहीं रह सकेली। अपन सौद के कैसे बर्दाश्त कर सकेली हम? वो हमार आग के सामने इतना बराबर पत्ती होके के हक दिखावत बिया, हमरा के अपन बहिन मान के एहसान दिखावे के नाटक करत बिया, प्यार से हमरा संगे रह के बात करत बिया, लेकिन एकरा पीछे वो दोनों लोग के मन से हम सब समझते हैं। यही से हम आपके बतावे ही नहीं है कि हम आज ही अपना गांव जाते हैं। पूजा, तो सालों पे इतना भरोसा काहे करे लो? हो सकेला कि वो बिना सम्राट के बतौले तोरे घर पर आ गए होके? नहीं माँ जी, बिना दोनों जने के मिली भगत के ये संभव नहीं है। वो दोनों जने के नाटक सब समझाते ही हम, हमार पैर आपन घर में पड़ल नहीं कि पीछे पीछे उहो आ गए अपन हक दिखावे खातिर, कैसे सब समझाते ही हम। उरकरा दिल में बा कि हम ऊंचा रही और शालू भी, मगर हम ऐसा नहीं कर। आपन सौद के देख देख के घुटने से तो अच्छा बा कि हम अपना मायके अपना गांव जाके शांति से रही। पूजा, कौनो भी समस्या के समाधान कर जाला, समस्या से भागल नहीं जाला। शालू यह चाहत दिया कि तू परेशान होके घर छोड़ के चल जाओ और वो तोहरा घर पे अपन हक जमा ले। तू कहीं भी जाए के विचार छोड़ दा, हम देखा था नहीं कि कहूं तोहरे गृहस्थी पे घर पे अपन हक कैसे जमा मिला। शालू बहुत चालबाज भैया, हम जाना था हमू तोहरे साथ चलब, दूध के दूध और पानी के पानी करके रह। माँ जी, कौनो पैदा ना होगी, आप उगा के एक बार भगाई वो दोबारा आ जाए, दोबारा भगाई तिबारा आ जाए, आखिर कब तक रोक पाई बाप उगा के जिस सब कुछ इकरा सह पाके करत पिया। तू चला तो सही, हम हूँ देखा कि वो दोबारा कैसे आ जाए। चला शालू। माँ जी, प्रणाम। माँ जी, मत छुओ हमारा पैर। तुम यहाँ पूजा के घर में कहे आई हो? आप कैसा सवाल कर रही है माँ जी? ये हमारे पति का घर है, एक पत्नी अपने पति के घर क्यों आती है? रहने के लिए हम भी रहने आए हैं। एक पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति का घर संभालना, उसकी सेवा करना, हम भी वही करने आए हैं। अपनी ये बकवास बंद करो। हम तुमको आशीर्वाद दिए थे, अच्छी लड़की समझे थे तुमको, पर तुम तो बहुत गिरी हुई लड़की निकली। तुम्हारी हर चाल अब हमको समझ में आ रहा है। माँ जी, हम आपकी बहू हैं और अपनी बहू पर इस तरह कीचड़ उछालना एक सास के लिए अच्छी बात नहीं है। जबरदस्ती गले पड़ने से तुम हमारी बहू नहीं हो जाओगी। अरे कुछ तो शर्म करो, एक लड़की होकर के दूसरी लड़की का घर बर्बाद कर रही। का बिगाड़ा है, का बिगाड़ा है पूजा ने तुम्हारा? कौन सी दुश्मनी निभा रही हो तुम इसके साथ? कितना परेशान करके रखा है तुमने इसे। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। पूजा हमारी बहन जैसी है, हम इसका बुरा कभी नहीं सोच सकते, लेकिन अपने साथ भी बुरा नहीं होने देंगे। गलती हम दोनों की नहीं, सारी गलती आपके बेटे की है। इन्होंने पूजा के साथ हमें भी धोखा दिया है, पूजा से छुपकर हमसे शादी की,
हमारी जिंदगी के साथ साथ पूजा की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। सम्राट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम जानते बूझते कि वो शादीशुदा है, तुमने जबरदस्ती उससे शादी की है। सारी गलती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, और सजा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। पहला पत्नी के रहते दूसरा पत्नी का कोनो वजूद नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं। ये आपकी गलतफहमी है माँ जी, हम समझाते हैं कैसे। आप भी अपने पति की दूसरी पत्नी है। आपके पति भी अपनी पहली पत्नी को छोड़कर आपके साथ रह रहे हैं। आपकी वजह से उनकी पहली पत्नी को अपनी जिंदगी अकेले जीनी पड़ रही है, और आप हम में ही दोष निकाल रही हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर हम पर उंगली उठाइए। शालो, अपनी गंदी जुबान से हमारे माई के बारे में कुछ कहा तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारा, जान से मार देंगे। इतना आसान नहीं है, हम आपकी पत्नी हैं, कोई राह चलती ऐसी वैसी लड़की नहीं। अगर हाथ भी लगाया तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारी तो सम्राट, सुनो लड़की, हम तुमको इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल जा तुम यहाँ से, और दोबारा भूल करके भी पूजा और सम्राट के बीच में मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। सासू जी, धमकाइए मत, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। शायद अपने भैया के बल पर तुम इतना उछल रही हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम्हारे भैया से कोई डरने वाला नहीं। इससे पहले कि हम तुमको धक्का मार के निकलवाएं, तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ। पहली बात, मेरे भैया को बीच में मत लाइए, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ये हमारे पति का घर है, अपने पति को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने जबरदस्ती की तो हम यहां से सीधे पुलिस में जाएंगे, FIR लिखवाएंगे कि आपके बेटे ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए हमसे जबरदस्ती शादी की। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और फिर आप सबको सबको जेल जाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं, पुलिस जब छानबीन करेगी तो उसे सच झूठ सबका पता चलेगा। ये भी पता चल जाएगा कि बंदूक की नोक पे तुमने सम्राट से शादी की, और सम्राट से तुम्हारा रिश्ता कभी था ही नहीं। गलतफहमी है आपकी, सम्राट आपको बरगला सकता है, पुलिस को नहीं। हमारे पास सबूत है, वो फोटो, वो सारी कहानी खुद कह देंगे। हमें बर्बाद करने का खामियाजा आप सबको भुगतना होगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमें हमारे पति से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। एकरा के उठा के सोफा पे लेटा दा। अरे बेटा, एकरा के कुछ हो गए तो मुश्किल हो जाए, तू उठा करके सोफा पे लेटा दा। हम एकरा के छुएम तक नहीं। इतना नाटक करके हमरा के दिखावे की जरूरत नहीं के, उठा के लेटा दी सोफा पे। बेटा, भले ही गलत लगी होगी, पर इस समय इकरा के मदद की जरूरत बा। इंसान होके के नाते हमनी के मदद करे के चाहिए। तू जा डॉक्टर के बुला ला। माई, तू कहाँ एकरे पचड़ा में पड़ल बाड़ू।
हम काले ना जाके डॉक्टर के बुला लावा। गहरी सांस लो। बैठ जाओ। माँ जी, ये कोई आपकी संबंधी है? हाँ, क्या हुआ है इसे? आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये लड़की माँ बनने वाली है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप फिर से चेक कीजिए, शालू माँ बन ही नहीं सकती। मिसेस सम्राट, मैंने बिल्कुल सही चेकअप किया है, ये लड़की माँ बनने वाली है। पर आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये किसी हालत में माँ नहीं बन सकती है। कैसे, ये कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से चेक कीजिए डॉक्टर। चेकअप की इसे नहीं, आपको जरूरत है। मैं चलती हूँ, फीस भिजवा दीजिएगा। डॉक्टर, क्या ये पता चल सकता है कि ये कितने महीने से? शायद डेढ़ दो महीने से। ये शादी आज से डेढ़ महीना पहले हुई थी, जब ये पटना आकर हमारे साथ ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी इन्होंने अपने प्यार के बारे में हमसे कहा। मैं भी भोली इनकी बातों में आ गई। माई, झूठा, सरासर झूठा। शालू प्रेग्नेंट नहीं थे। डॉक्टर से गलती भी हो सकेला, हम दूसरा डॉक्टर के बुला के लाओ। तानी अपने गलती पे पर्दा डालने की कोशिश मत करा। ये शालू के डॉक्टर नहीं तो हार फैमिली डॉक्टर है। ये झूठ काहे बोले? ये पूजा के चेकअप करके बतले रहल कि पूजा प्रेग्नेंट भी है। फिर ये गलत कैसे हो सकेली? हमार दिल के कोना में एगो भरोसा जिंदा रहा कि हमार बेटा सही हो सकेला, लेकिन तू हमार भरोसा तोड़ देला हमार भरोसा। तू अपने पत्नी के, माई के, बाप के, सबके धोखा देला। तू हमार बेटा कहलावे के लायक नहीं बड़ा। एक माई के माथा शर्म से झुका देला। माई सच नहीं खे। मत कहा माई हमरा के, शालू सही रहे, पूजा सही रहे, हम गलत साबित बहनी। तू दोनों औरत के धोखा देला, अब कैसे नजर मिलाई हो की लोग से? माई, हमारा विश्वास कर, अगर शालू प्रेग्नेंट बिया तो बच्चा हमार नहीं बा, केहू और के बा। और हम ई बात के सच्चाई साबित करवा सकेली।
जी हम पढ़े लिखल बानी, अगर कोई दिक्कत लागल तो काम करके खुद कमा ले, लेकिन पटना में नहीं रहो। खून के असर औलाद पर पड़ेला एकरा के साबित कह देलस। बाप धोखेबाज, बेटा भी धोखेबाज। मेरा माथा ठीक नहीं है, मुझे डर है कि कहीं मेरे हाथों इसका खून ना हो जाए।